हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितेश व्लॉग्स। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना फाइनल रिजल्ट पा सकते हैं और सारे रिजल्ट डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और अपना एक प्रोविजनल लेटर जिसका यूज़ करके आप किसी भी जॉब या एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं, जो कि फाइनल ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं ऐसा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो आपको एक लिंक बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक लिंक है, ये test.rdsu.ac। इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको एक लिंक आएगी, उस लिंक पर क्लिक करना होगा जिससे कि आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में ये देखिए, ये मैंने उस लिंक पर क्लिक किया तो ये आया। तो इसी लिंक पर क्लिक करने के बाद जो चीज़ आपको दिख रही है, इसमें आपको रोल नंबर डालना है, एकेडमिक ईयर और सेमेस्टर। एग्जाम्पल के लिए मैंने रोल नंबर किसी का डाला है और ये एकेडमिक ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर। तो गेट रिज़ल्ट पर क्लिक करता हूँ तो रिज़ल्ट आ जाता है और यहाँ पर आपको सारे मार्क्स दिख जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर मैं सेकंड सेमेस्टर क्लिक करता हूँ, गेट रिज़ल्ट, तो सेकंड सेमेस्टर आ गया। तो इसी को यहाँ पर जनरेट पीडीएफ करके डाउनलोड कर लेंगे और इसको प्रिंट आउट करके आप अटैच करना होगा इन डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और इसको इसमें आपको नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सभी चीज़ें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी है, एकेडमिक डिटेल्स भरनी है और जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने इसके साथ वो हो गया, ये एप्लीकेशन हो गया, सारे सेमेस्टर की जो मार्कशीट है 1 से 6 सेमेस्टर और नो ड्यू सर्टिफिकेट, जो कि ये है नो ड्यू सर्टिफिकेट, ये है नो ड्यू सर्टिफिकेट। इसमें आपके ब्रांच, डेट सब कुछ भरना है, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, ये सभी चीज़ भरने के बाद यहाँ पर आपको लाइब्रेरी में साइन कराना होगा। यहाँ पर स्टैम्प भी लगेगा कि आपने, आपके पास कोई भी बुक नहीं है इसके लिए। फिर आप PTI मैम से साइन कराना होगा और कैशियर, उसके बाद एकेडमिक सेल से, फिर लास्ट में ब्रांच HOD। इसके बाद आप फाइनल जो साइन होगा और स्टैंप लगेगा कैंपस डायरेक्टर का होगा, ठीक है। और यहाँ पर साइन होगा ही, प्लस यहाँ पर HOD के यहाँ पर साइन होंगे, स्टैंप लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास चारों चीज़ें पूरी हो गई हैं, जिसके अंदर फी रिसिप्ट भी होगी जो लास्ट एकेडमिक ईयर की होगी, जो 5th और 6th सेमेस्टर की होगी। आपके पास 6th सेमेस्टर की होगी लेकिन 5th की क्या, क्योंकि PTM हमने पे किया था तो क्या उसका फी रिसिप्ट नहीं था। आप जो ईमेल पे आया है या फिर उसका स्क्रीनशॉट है पेमेंट का, वही आप अटैच करके दे दीजिए तो 5th और 6th दोनों का इसके साथ अटैच हो जाएगा। और इसके अंदर आपको यहाँ पे स्टूडेंट साइन होगा सिग्नेचर, और यहाँ पर एकेडमिक इंचार्ज के साइन होंगे, प्रॉक्टर का भी, और यहाँ पे कैंपस डायरेक्टर जो प्रिंसिपल है उनका साइन होगा। और उसके बाद ये सब अटैच करने के बाद आपको ये नीचे वाली स्टूडेंट कॉपी मिल जाएगी, जो कि 15 दिन बाद आपको प्रोविजन लेटर मिल जाएगा, जो कि 2 तरह का होगा, एक होगा कलर में, एक होगा ब्लैक एंड वाइट। जो ब्लैक एंड वाइट पर साइन करेंगे उसके बाद आप जमा कर देंगे तो आपको ओरिजिनल वाला मिल जाएगा, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोविजनल लेटर, और ये है नो ड्यू सर्टिफिकेट। दूसरा, पहला आपका हो गया प्रोविजनल, दूसरा नो ड्यू सर्टिफिकेट, तीसरा हो गया ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ठीक है। इस पर आप सारा फिल करके साइन कराना है, और ये हो गया आपका 6th सेमेस्टर का, और 5th आप ईमेल से स्क्रीनशॉट जो भी है आप ले सकते हैं। और सारे सेमेस्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो आप अटैच करना होगा और सबमिट करना होगा द्वारका, यहाँ पे मैं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है द्वारका सेक्टर 10, वहाँ से आपको 800 मीटर का जो है डिस्टेंस, वहाँ पे आप द्वारका में जाइए, वहाँ पे जो हेल्प डेस्क है वहाँ पे सबमिट कर दिए सारी सभी चीज़ें, तो आपको सॉफ्ट कॉपी दे देंगे स्टूडेंट की, उसके बाद 15 दिन बाद आपको प्रोविजनल मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।